चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अपना ए बालक है वो कितने दिन में काम कर सकता है भैया? 10 दिन में। और बी अकेला काम कर सकता है 15 दिन में। बी थोड़ा सा आलसी है जो काम को कर सकता है भैया 15 दिन में। यहाँ से अपन एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, 30, 10 3 जो 30 और 15 2 जो 30। ठीक है, ये तो अपना एलसीएम आ गया, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। उनने क्या किया, दोनों ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, और उसके बाद जो रेस्ट वर्क बचा वो सी ने कर दिया 2 दिन में, ठीक है। अब अपन को ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ दे गेट 450 रुपीज़ फॉर होल द वर्क, हाउ रुपीज़ डिवाइडेड, मतलब सबको कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो देखिए 30 काम के कितने मिल रहे हैं, 450 रुपये, ठीक है। यहाँ से एक काम के कितने मिलेंगे, ये कट जाएगा 15 टाइम्स, एक काम के मिल रहे हैं भैया 15 रुपये। कोई व्यक्ति अगर एक काम करेगा तो उसको 15 रुपये मिलेंगे। अब ये 3 की एफिशिएंसी से ए ने 15 दिन में कितना काम किया होगा, ये 5 दिन में कितना काम किया होगा, 3 की एफिशिएंसी से ए ने 5 दिन में 5 दिए 15 काम कर लिया होगा, ठीक है। 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन में बी ने 10 काम कर लिया होगा। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, 25 काम कर लिया। 25 काम कर लिया तो सी को बचा हुआ काम, 5 काम किया होगा सी ने, सी ने 5 काम किया होगा, क्योंकि टोटल काम तो अपने पास 30 ही है ना। इसने 15 कर लिया, इसने 10 कर लिया, तो इसने 5 किया। अब अपन इनके पैसे बांट लेते हैं। एक काम पे मिल रहे हैं भैया 15 रुपये, एक काम पे अगर 15 रुपये मिल रहे हैं तो 5 काम पे कितने मिलेंगे, 5 × 15 जो कितने होते हैं, 75, ठीक है। 75 में से तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो अपन डायरेक्ट इसको ही आंसर मार्क करेंगे, 2 और नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी अपन निकाल देते हैं क्योंकि अपन सीख रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा 10 काम के कितने मिलेंगे, 10 × 15 ये कितने हुआ है, 150, 150 दो ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 15 काम के कितने रुपए मिलेंगे, 15 × 15 कितना होता है, 225, वो भी इसी ऑप्शन में, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं।